हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका इंटर एंड फाइनल का फैकल्टी 20 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस से के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैं गलत हूँ, मैं गलत था। ऑल इंडिया रैंक 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट होने के बाद भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी बाकी है। तो उसमें मैंने एक्सप्लोर किया एक रिवीजन शीट के बारे में। हालांकि और बातें तो मैं करता ही रहता हूं आपसे, मैं एक रिवीजन शीट के बारे में आपसे बताना चाहता हूं, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन फॉर्मुलेज, और बच्चों को अगर फॉर्मुलेज नहीं आते हैं, भूल गए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मैंने इंटर और फाइनल स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन शीट बनाया है। रिवीजन शीट मतलब आप देख पा रहे हैं, आपके सामने जो नज़र आ रहा है दैट इज अ रिवीजन शीट। फाइन, इसमें क्या है, ये आपका पूरा सब्जेक्ट का जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसका ये जस्ट हेडिंग्स हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप फ्री टाइम रहें, आपको ऐसा लगे कि यार मेरा सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ सब्जेक्ट के लिए, तो आप उस केस में इस रिवीजन शीट को यूज़ करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल और अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। ये रिवीजन शीट मैं अपने ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप ग्रुप में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, टोटल डिविडेंड पेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फाइन, तो ये आपका हो गया डिविडेंड पर शेयर। इस तरह से आप पूरे अपने सब्जेक्ट को इन रिवीजन शीट एक बार रिवाइज करेंगे और बताएंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो, DPS अपॉन EPS। फाइन, सो इस तरह से आप अपने पूरे प्रिपरेशन को चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। जहां आप गलती करें तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से पूरे रिवीजन शीट को मैंने आपको दिया हुआ है। पी रेशो क्या होता है, MPS अपॉन EPS। फाइन, अगर आपने मेरे से क्लास लिया है तो आपको तो पूरा ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, हेडिंग्स के साथ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाई चांस आपने कहीं और से भी क्लास लिया है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ पर डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, कुछ चीज़ें आपको खुद से समझ के लिखनी होगी, लेकिन ऑलमोस्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट टिप्स में रहने चाहिए। पी रेशो चाहे कहीं से भी आपने क्लासेस लियो, पी रेशो MPS अपॉन EPS ही होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा, अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन इक्विटीज शेयर होल्डर फंड, ये कहीं पे भी यही होगा, ठीक है ना। तो अब रिविजन शीट से आप इसको भी इंकॉर्पोरेट करिए अपने प्रिपरेशन में। हालांकि अब तो हम लोग हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने अलग अलग तरह के बैचेस निकाले हैं। एक इंस्टेंट बैच है, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है, एक डिटेल्ड करियर ओरिएंटेड बैच है, प्लस हमने थ्योरी के अलग से लेक्चर्स आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको अलग से बुक दे रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी नोट्स आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो ग्रुप में आप जाएंगे तो आपको MCQs, आपको फॉर्मूला बुक और आपको थ्योरी फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके अपलोड ऑलरेडी कर दिया गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टारगेट यही रखिएगा, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स टारगेट रखिएगा और ऑल इंडिया रैंक 1 का टारगेट रखिएगा। तो आप देख सकते हैं आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का है, आपका टारगेट ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का है विथ हाईएस्ट मार्क्स इन द सब्जेक्ट, 94 मार्क्स, 95, 99, 100 आउट ऑफ 100। इंटर के स्टूडेंट्स एंड फाइनल के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आप आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे मेरा मानना है। तो ये रिवीजन शीट आपके प्रिपरेशन को और बेहतर करेगा और चार चांद लगाएगा। जाते जाते इतना ही कहूँगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।